पैसे गया अरे कैमरे के सामने धमकियां दी जा रही हैं। अगर मेरी जान को कुछ होता है ये बंदा जिम्मेदार है, बाकी जो रात मेरी कब्र में वो बाहर नहीं है, मुझे मंजूर है। पे जो सिचुएशन थी ना, अगर हम ये डिसीजन लेते कि ये इलाका दाता दरबार का है, भाटी गेट का है, तो मामला बिगड़ सकता था। साथी एंकर को बता रहे थे कि आप इसने मेरे से 5,000 रुपया लिया, और ईमानी कुरानी बता रहे थे, कोई ईमान कोई कुरान कोई चीज होती है? नहीं नहीं, मैंने नहीं दिया, कोई पैसे नहीं आपको दिए। नाजिन पनागा दाता दरबार के पीछे बैठा ये डॉक्टरी लबादे में एक गुंडा है जो कि जेली डेंटिस्ट डॉक्टर है। जब इससे बात करने की कोशिश की तो पहले तो इसने बहाने से हमारा कैमरा बंद करवा दिया, लेकिन जैसे ही कैमरा बंद हुआ इस शख्स ने अपने गुंडों के हमरा हमारी टीम पर हमला कर दिया। इस हमले के दौरान इसने अपने दांत निकालने वाले औजारों से मुझ पर भी हमला किया और मेरे कैमरामैन पर भी। इसी जदोकोब में आकर मेरे कैमरामैन का एक हाथ भी जख्मी हुआ और एक बाजू भी। नादिन याद रहे कि ये शख्स पहले भी एक मीडिया टीम पर हमला कर चुका था, लेकिन इस बार शायद ये भूल चुका था कि इसका पाला टीम MN पॉइंट से पड़ा है। इस जेली डॉक्टर से जब बात करने की कोशिश की तो इसने जो फिल्म चलाई आप खुद मुलाहिजा फरमाएं। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। वालेकुम अस्सलाम, की हाल है? ठीक ठाक जी, शुक्र है। कम पाई खड़े हो? कादा दंदा दुंदा काम? हां जी हां जी, दंदा दा काम कर रहे हो? काम पांदा ही नहीं, काम की करी? डॉक्टर हो ए हुण आले ए तो फेसबुक ते देख जरा, मौलवी साहब दे नाल सारी गुफ्तगू हो गई है, कोई अलग-अलग करनी है? अच्छा हां, अलग-अलग मकसद दसो ना, वजह दसो। मकसद ए के सी बखाना चाहने हैं किवें तुसी की डिग्री ले के बैठे हो, किवें बेड़ा करी कर देंगे? बेड़ा करा कसी करने का तुसी कर दियो, पैसे ले गए, पैसे दी खातिर है तुसी ड्रामेबाजी कर रहे हो। पैसे मंगे ने किसी ने? नहीं, वो मौलवी साहब ने जड़ा खिताब किया ना कि जी मैं नाल सिक्योरिटी गार्ड रखे हुए ने, ਉਥੋਂ ਸਾਬਤ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਨਾਲ ਦੇਖੋ ਨਾ, ਹੁਣ ਤਾਂ ਇੰਨੀ ਤਨਖਾਹ ਦੇ ਨਾਲ 4 ਸਿਕਿਉਰਟੀ ਗਾਰਡ ਕਾਹਦੇ ਨਾਲ ਰੱਖੇ? ਇੰਨੇ ਸਿਕਿਉਰਟੀ ਗਾਰਡ, ਮੇਰਾ ਕੋਈ ਸਿਕਿਉਰਟੀ ਗਾਰਡ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ? ਹਰ ਬੰਦੇ ਨੇ ਆਪਣਾ ਜ਼ਿੰਮਾ ਆਪ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਅੱਛਾ ਜੀ, ਹੁਕਮ ਕਰੋ, ਦੱਸੋ। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਡਾਕਟਰ ਹੋ? ਮੈਂ ਦੰਦ ਨਵੇਂ ਲਗਾ ਰਿਹਾ। ਠਹਿਰੋ, ਖੈਰ ਡਾਕਟਰ ਹੋ? ਮੈਂ ਦੰਦ ਨਵੇਂ ਲਾਹਾਂ ਜੀ, ਦੰਦ ਲਾ ਰਹੇ ਹੋ? ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਡਾਕਟਰ ਹੋ? ਮੈਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਦੰਦ ਨਵੇਂ ਲਗਾ ਰਹੇ ਹੋ ਡਾਕਟਰ ਹੋ ਕੇ ਨਹੀਂ? ਇੱਜ਼ਤ ਨਾਲ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਦੰਦ ਨਵੇਂ ਲਗਾ ਰਿਹਾ, ਇੱਜ਼ਤ ਨਾਲ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਮੈਂ ਸਮਝ ਜਾਓ। ਦੰਦ ਨਵੇਂ ਲਾ ਰਹੇ ਹੋ? ਡਾਕਟਰ ਹੀ ਨਵੇਂ ਦੰਦ ਲਾ ਸਕਦੇ? ਮੈਂ ਬੰਦ ਕਰ ਦੇਣਾ ਨਾ, ਬੇਟਾ ਬੰਦ ਕਰ ਦੇਣਾ ਇਧਰ। ਓਹੋ ਭਾਜੀ ਤੁਸੀਂ ਚੁੱਪ ਕਰੋ, ਅਜ਼ਾਨ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਅਜ਼ਾਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਉਣਾ, ਫਿਰ ਆ ਕੇ ਇੰਟਰਵਿਊ ਲੈਣਾ। ਅਜ਼ਾਨ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਅਜ਼ਾਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੰਟਰਵਿਊ ਦੇਵਾਂਗਾ, ਮੌਲਵੀ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ, ਦੂਸਰੇ ਨੂੰ ਵੀ ਦਿੱਤਾ, ਵੇ ਤੈਨੂੰ ਵੀ ਦੇਵਾਂਗਾ, ਤੈਨੂੰ ਵੀ ਦੇਵਾਂਗਾ ਇੰਟਰਵਿਊ, ਲੇਕਿਨ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿਆ ਹਲੇ, ਅਜ਼ਾਨ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। अजान के एहतराम के लिए 5 मिनट कैमरा बंद कर लें, यहीं हूँ मैं। नाजिन, अजान के एहतराम के लिए जब कैमरा बंद किया गया तो पीछे खड़े इसके गुंडों ने टीम MN पॉइंट पर हमला कर दिया। हमला करने वाले ग्रोह को जब मैंने देखा तो मैंने फैसला किया कि मुझे 15 पर कॉल करनी चाहिए। मैंने जैसे ही 15 पर कॉल की तो थाना भाटी गेट की जानिब से मुझे कुछ ही देर में 15 से रिस्पांस मिल गया। इस 15 की कॉल पर हमारे पास पहुंचे थाना भाटी गेट से ASI सजाद नागरा, जो कि बड़े ही फर्ज शिनास और बाहिम्मत ऑफिसर थे, जिन्होंने बड़े तरीके से हमारे साथ कोऑपरेट किया और हमें तहफ़ दिलाने का यकीन दिलाया। भाई मैं इस चीज से, मैं एक बंदा बैठा है उससे बात की, पता नहीं चला कि बंदे कहां कहां से आए हैं मारने वाले। यही तो बात है नसीबी है कि यहां पे लोग जनाब गुंडे हैं, इन्होंने थोड़ी देर पहले मेरे पर वार किए भाई, छुरियां मारी हैं मुझे। हाँ जी, इस तरह मर्जी देख ले, या खत्म करोगे या गुंडागर्दी चलती रहेगी, या मरते रहेंगे या मरते। अच्छा यार, अपने सामान सांभ, अपने पैसे पूसे सांभ पहले। मैं 5,000 मैंने तुझे दिया उस दिन, 5,000 तू लेके गया।
तू अच्छी पहन नहीं है जात मेरा ना है अच्छा नागरिक यहां पर क्या कर ले बता दे कितने ऊपर से लगा चल तेरे ओ अपना कार दे आपके सामने ही आ रहे तू ना आपके सामने ये बंदा कश्ती दे ये गालियां दे रहे हैं पैसे दे ना ट्रक गया हो किथे नहीं पैसे दे ये दे पैसे ले मेरे शाही है देखो पैसा लेके गया उस सारे कौन लेके गया ये बंदा लेके गया की ना आया था चलो एक बार पता लग जा ना नहीं मिले ना तो बगैर दे कुछ 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 पाजी मोबाइल नंबर भी नहीं देंगे मोबाइल नंबर भी नहीं देंगे किसने लेके गया साडे सामने खड़ोते बदतमीजी कर रहे हो ओए गलत है यार मेरा भरा कूल डाउन है मेरा पाजी मेरी इज्जत खराब कर दे कूल डाउन है बना रहा देख रहा हूं सारे तेरी मेहरबानी तेरी मेहरबानी अरे कैमरे के सामने धमकियां दी जा रही हैं अगर मेरी जान को कुछ होता ये बंदा जिम्मेदार है बाकी जो रात मेरी कब्र में वो बाहर नहीं है मुझे मंजूर है। इस डॉक्टरी लबादे में छुपे इस गुंडे को जब थाने लेके जाने लगे तो उसके गुब्बारों में से हवा निकल गई। फिर इसके चेहरे पर नदामत शर्मिंदगी और डर नजर आने लगा। चंद मिनट कबल जो बंदा मुझे मरवाने और मेरे घर से उठवाकर गायब करने की धमकियां दे रहा था फिर वही बंदा मिनट समाजी तरले और मिनटों पर उतर आया। अब इस बंदे को जैसे जैसे थाने के करीब लेकर जाया जा रहा था वैसे वैसे इसके सर से बदमाशी का भूत उतरता जा रहा था। इसके चेहरे के रंग मुझे बता रहे थे कि यह बंदा अब आइंदा किसी से इस तरह की गलती नहीं करेगा। जब थाने पहुंचे तो हमें इस चीज़ का इल्म हुआ कि अब तक हम जिसको जैली डॉक्टर समझते रहे थे ये तो खुद पागल है मतलब कि साइको पेशेंट है और इसको ये पता नहीं चलता कि किस टाइम क्या करना है और क्या नहीं। 15 पर कॉल की गई थी और आम तौर पर समझा जाता है कि 15 पर कॉल करने से रिस्पांस नहीं मिलता लेकिन मुझे इस वीडियो में ये मैं साबित करता हूँ कि मुझे एक बहुत अच्छा रिस्पॉन्स मिला है। दूसरे थाने से ASI सजाद नागरा साहब आए हैं इन्होंने बड़ा बेहतरीन रिस्पॉन्स दिया है। उस बंदे को अपनी गाड़ी में बैठाया और मतलका थाने में छोड़कर अब जा रहे हैं। सजाद साहब मैं आपको बड़े अप्रिशिएट करता हूँ। यकीन करें कि बड़ी मुद्दत के बाद ऐसे अफसर से हमारा पाला पड़ा है कि उन्होंने अपनी जिम्मेदारी को बड़ी बखूबी ऐसी कोई बात नहीं देखें ये हमारी ड्यूटी है ये हमारा फ़र्ज़ है। देखें वहाँ पर जो सिचुएशन थी ना अगर हम ये डिसीजन लेते कि ये इलाका दाता दरबार का है भाटी गेट का है तो मामला बिगड़ सकता था। तो एज ए पुलिस ऑफिसर मुझे मौके पर जो अच्छा लगा मैंने कहा इस मामले को फिल वक्त हंगामे की सूरत नहीं इख्तियार करना चाहिए। मैंने इनको उसको लिया और अपनी ड्यूटी निभाते हुए आपका शुक्रिया का भी कोई ज़रूरत नहीं मैंने अपना काम किया और मैंने अपनी ड्यूटी की। आप हमारे मुआफ़ी से यकीन करें कि आपने दिल खुश कर दिया मैं आपको सलूट करता हूँ दिल करता है आप जी आप जी आप जी जब आप जैसे हमें मिलते हैं ना हमारे अफसर दिल करता है कि उनको सलूट करें आप जी बहुत बहुत शुक्रिया थैंक यू अल्लाह ताला आपको मजीद तरक्की और कामयाबी। जी नाज़रीन इस बंदे ने ऑन कैमरा बदतमीजी की थी 15 पर कॉल की है पुलिस आई है थाने आए और थाने में आकर इस बंदे ने माजरत की है। बात करते हैं इसने मेरे ऊपर इल्ज़ाम लगाया था कि मैंने इसे 5,000 रुपया लिया है पहले वो चीज़ क्लियर करते हैं मैंने आपसे पैसे लिए नहीं पैसे नहीं लिए क्यों इल्ज़ाम लगाया इल्ज़ाम लगाया यार दूसरे लोगों ने तो परेशान किया हुआ दूसरे लोगों ने दूसरे साथी एंकर को बता रहे थे कि आप इसने मेरे से 5,000 रुपया लिया और ईमानी कुरानी बता रहे थे कोई ईमान कोई कुरान कोई चीज़ होती है नहीं नहीं मैंने नहीं दिया कोई पैसे नहीं आपको दिए नहीं दिए नहीं फिर झूठ उस चीज़ की माफ़ी चाहता हूँ माफ़ी चाहता हूँ उसके बाद तशद्दुद किया जब मैं हूँ आपने अल्लाह बोल दिया 10-12 बंदे थे वहाँ पर क्यों इस तरह क्यों करते हैं वो बंदे मेरे साथ नहीं थे कोई भी मेरे साथ नहीं था मेरे ऊपर 10-12 बंदों ने तशद्दुद किया आपके ऊपर किया होगा लेकिन मैं तो अकेला ही हूँ ना मैं तो उधर काम कर रहा मेरे साथ कोई भी नहीं आइंदा कोई आता है आपके पास वीडियो बनाना या कोई सहाफ़ी आता है तो उस पर भी इसी तरह तशद्दुद करेंगे ये रवैया रखेंगे अपना नहीं मैं उसके साथ ये रवैया नहीं रखूंगा हाँ जो किया उसके लिए शर्मिंदा हो माजरत करते माफी चाहता हूँ मैं उसके लिए नहीं तो ऐसी गलती करूँ नहीं करता ये ना जी इन्हें माजरत होती है बंदा किसी को फांसी पर भी लगवा दे तो एंड माजरत ही होती है। इसने तशद्दुद किया था बदतमीजी की थी उसके बाद इसने गलीज़ ज़ुबान भी इस्तेमाल किया अपने वीडियो में देखा है और थाने में आकर इस बंदे को अपनी गलती का एहसास हो गया कि मैंने गलती की है मैं माजरत करता हूँ। और बहुत सारे इसमें हमारे साफी भाई इंक्लूड थे जिन्होंने कहा इस बंदे को माफ़ कर दो एक माफ़ीनामा भी लिखवाया है उसके बाद इसने खुद माजरत कैमरे के सामने भी किया अब इस बंदे को खुदा की रजा के लिए माफ़ किया जाता है और उम्मीद है कि नेक्स्ट इंशाल्लाह किसी के साथ बदतमीजी नहीं करेगा। मुझे दीजिए इजाज़त अल्लाह ने कहा।